बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये मेरी आवाज आ रही एपीसी है? जी आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है मेरे से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये एपीसी मेरे मेरी नज़र में बहुत पहले होनी चाहिए थी। शायद मैं अगर जेलों में मौलाना साहब ने नहीं भेजा होता और शायद मैं होता तो आ जाता पहले, मगर क्या करें, मौलाना साहब का काम ही है कि किसी को आशा दे के उसको कहना चल मैं आ रहे हैं, समझे। तो दोस्तों, इस एपीसी के कामयाबी का जो सेहरा है वो आप सबके नज़र है, और ये आप देखें कि आपके एपीसी के खिलाफ जो चैगलियाँ कर रही है हुकूमत, जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, यही आपकी कामयाबी है। ये क्या बात है कि मैं मियाँ साहब को वो टीवी में लाइव नहीं दिखा सकते, जनरल मुशर्रफ को दिखा सकते हैं, मेरा इंटरव्यू बैन किया जा सकता है पार्लियामेंट से, पर वो एक डिक्टेटर जो भागा हुआ है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के इल्ज़ाम में, उसका इंटरव्यू दिखाते हैं, वो इनके लिए नापाक नहीं है। हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले सब नापाक हैं। तो दोस्तों, ये हालात आज के हैं, आज के हैं, मगर हमें पेम्ब्रा की ज़रूरत नहीं है, हमें लोगों से लोगों को पता है, लोग हमें हमें सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, चाहे ये कितना भी हमें जरगोप न करें, कितना भी हमें बंद करने की कोशिश करें। जब से हम सियासत में हैं, हमने कभी ये आलम नहीं देखा कि इतनी टीवी पे बैंड हो, और जिस तरह एक सीओ को जेल में डाला हुआ है, एक टीवी को बैन किया हुआ है 24 को पंजाब में, पंजाब से लाहौर से, तो ये सब इनकी कमजोरियों की निशानियां हैं, हम इसको इनकी कामयाबियां नहीं समझते। और ये चाहे कुछ भी समझें या करें, हमें इनकी ये कमजोरियां नजर आ रही हैं। आजकल की मीडिया को बैन करना और बैन रखना तकरीबन इम्पॉसिबल है। नेट पे आजकल बलूचिस्तान का बच्चा भी जो है वो फ़ोन पे बात बात करता है अपने दिल की, केपी का भी करता है, सिंध का भी करता है, और पंजाब का, साउथ का, हर जगह का करता है, गिलगित बल्तिस्तान का भी करता है, और उसको कोई रोक नहीं सकता। और भी मुझे और भी खुशी है कि आज हमारी बेटी मरियम बीबी भी यहाँ हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ, वो हमारी बेटी हैं, मियाँ साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं, हमने देखा है कि उनने क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और हम समझ सकते हैं, इसलिए कि मेरी खुद बहन जेल गई हैं, मेरी बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा जेल गई थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि इन दरिंदों ने उनके साथ कितनी तकलीफ के साथ उनने गुजारा होगा, मगर मैं उनको भी सलाम भी करता हूँ, मरियम बीबी को, और उनको कहता हूँ कि हम साथ हैं आपके, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम आपका कॉज जो है उस पर लड़ते रहेंगे, और आप भी हमारी कॉज पे लड़ती रहेंगी, इसका मुझे यकीन है। ये हमारी कोई पहली एपीसी नहीं है, 1996 में भी, 2006 में भी बीबी साहिबा ने सऊदी अरेबिया जाके मियां साहब के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से हमने एक हमाहंगी मिलाई थी, बनाई थी, जिसमें हमने मुशर्रफ को भी घर भेजा, और साथ साथ हमने 18th अमेंडमेंट भी पास की। 18th अमेंडमेंट हमने एक दीवार बनाई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द, ताकि कोई मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमज़ोर न कर सके, मगर अफसोस ये जो ना समझ हैं, जो सियासी बौने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के की सोच एक समझो के मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है, और वो समझता है कि वो हमारी
73 से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज्यादा होशियार हैं, और उन सब ने मिल के 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमने 18th अमेंडमेंट बनाई है। तो मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस एपीएससी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में होऊंगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा, समझे? तो उस मुलाकात का मुझे इंतजार भी रहेगा। हमने शुरू से इस मैनिपुलेशन के खिलाफ, इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल के किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज होगी कि आप इस एपीसी में कोई लाए अमल तय कर लें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उससे जमहूरियत को मजबूत कर सकें और जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। इसलिए कि पहली बुनियाद जमहूरियत है, हर चीज़ की पहली बुनियाद मुल्कों की जमहूरियत होती है, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके बाद आप जाके कोई और काम करेंगे, मगर ये ऊपर से आके और नीचे समझते हैं कि हमने जमहूरियत कर दी, ये कोई जमहूरियत नहीं है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। हम बलोचों के कॉज के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में और दूसरी कौमों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। 18th अमेंडमेंट में सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा मिलता है तो पंजाब को मिलता है, हम पंजाब के साथ भी हैं, हम साउथ पंजाब के साथ भी हैं, हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिल के हकूमत शेयर करके, अपने सोचें शेयर करके और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने हमेशा दोस्तों को अपनी जगह पे अपने से ज़्यादा तरजीह दी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों का उठना, हमसे बैठना, हमें बताना, हमें एडवाइस करना हमें कबूल है, ये जमहूरी ताकतों का, बाकी ताकतों के खिलाफ मैं हमेशा मुझे एक जो मेरे से पहले था तख्त नशीन इस तख्त पे, वो कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछ लिया है, मैं उसे कहता था नहीं सर, मैंने फॉरेन ऑफिस को बता दिया है, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये सोच नहीं सकते उस जमाने के जो हालात थे, उस जमाने में जितनी इश्यूज थे, उस जमाने में जो जंगें लड़ी जा रही थी। खैर, ये तो बहुत बड़ी बहस है और लंबी बहस है, आप बहुत दोस्त आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक शायर की छोटी सी शायरी से इसका इख्तिताम करूंगा। मेरी दास्तां ए हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और इंशाल्लाह हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं, हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है, हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है, और इंशाल्लाह